एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, या फिर आप कचौड़ी के साथ, ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। और ये ऐसी रेसिपी है कि इसको आप एक बार बना के आराम से 15-20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इस टाइम पे चल रहा है लॉकडाउन का पीरियड, तो ऐसे में जब कभी आपके घर में एक टाइम की सब्जी ना हो तो आप इसके साथ भी रोटी पूरी पराठा खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी लगती है, आप लोग मेरे कहने से एक बार ट्राई करना। और इसे बनाने के लिए भी आपको ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन हाँ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, यहाँ तक कि आपको सब्जी से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जो लोग इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं वो ट्राई ज़रूर करिएगा, और करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात कि ये जो रेसिपी है इसको शादियों में भी बनाया जाता है, शादी का जो मेन्यू होता है उसमें ये रेसिपी ज़रूर होता है, तो आप लोग इसको एक बार बनाइएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक हथेली भर का कच्चा पपीता लिया है, और इसको अच्छे से छीलने के बाद मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, और इसको अच्छे से धो लिया है 2-4 पानी। उसके बाद मैंने इसको मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालते हुए इस तरीके से पीस लिया है, और पीस के इस तरीके का इसका पेस्ट बना लिया है। तो इसको एकदम बारीक भी नहीं करना है और इसको थोड़ा मोटा भी नहीं रखना है, इस तरीके का रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसको कद्दूकस करके भी रेडी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर चीनी लिया है, ऑट लिया है, यहाँ पे नारियल और छुहाड़ा को मैंने थोड़ा घिस लिया है, किशमिश लिया है, एक नींबू लिया है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे हमें बनाने के लिए चाहिए घी, तो यहाँ पे 1.5 चम्मच घी लिया है। और यहाँ पे बर्तन जो है गर्म हो चुकी है, तो मैंने इसमें डाल दिया है घी, और ये देसी घी है, इससे चटनी का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, और जीरा जब अच्छे से भून जाए तो हमें इसमें डाल देना है नारियल और किशमिश, छुहाड़ा, और इनको लगभग कुछ सेकंड तक इसी तरीके से भूनना है हमें, जब तक ये थोड़े से ब्राउन ना दिखने लगे, और आँच को कम ही रखना है। तो अभी मैंने इनको भून लेने के बाद इसमें डाल दिया है पपीते का पेस्ट, और इसको डाल के हम कुछ देर चलाएंगे, मतलब कुछ मिनट चलाना है, 1-1.5 मिनट। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो लगभग 1.5 मिनट मैंने इसको भूना है, कम आँच रखना है आपको, मतलब आँच ना तो ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा कम, मीडियम पे रखना है और बराबर चलाते रहना है। तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके इसको भी हम 1 मिनट तक पकाएंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी, तो आँच को मीडियम रखते हुए मैंने इसको फिर से दोबारा से 1 मिनट भूना है। तो अब मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर रही हूँ, और चीनी मैंने 1.5 कप लिया है। तो आपको जिस तरीके का जितना मीठा चाहिए आप उतना चीनी का इस्तेमाल करें, और जितना बड़ा आपने पपीता लिया है उसके अनुसार। तो चीनी को डालने के बाद चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसमें मैं घी वाला जो ग्लास था उस ग्लास में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और उसका भी इस्तेमाल कर लिया है। तो अब हम इसको कम आँच पे लगभग छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए, ताकि जो है पपीता अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पपीता एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, ये अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस, तो नींबू में से आपको बीज को अलग कर लेना है और उसको अच्छे से छान लेना है। तो ये देखिए 1 नींबू का रस मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसको हम 1 मिनट तक चला लेंगे, और चला लेने के बाद हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है इसमें थोड़ा सा काजू, तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो काजू डालने के बाद इसको तब तक हमें पकाना है जब तक कि ये जो चटनी है गाढ़ी ना हो जाए, मतलब चटनी जैसी ना हो जाए। यहाँ पे आप आँच को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर जो पानी है, मतलब चीनी वाला, वो अच्छे से सूख चुका है। तो अब रेडी हो गई है, अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। और बस यहाँ पे देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है इस बाउल में। आप इसको 15-20 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं, और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, और ये इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है कि आप इसको जिस बर्तन में रखेंगे उस तरीके से ये दिखने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको इस वाइट बाउल में रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, बाकी
तो चलिए, आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।